जम्मू जाना नहीं है सीधे होना अप्रोच है और मैं म्यूनसिपल काउंसिल उधमपुर में काउंसलर हूं। आज सुबह तकरीबन आधा घंटा पहले मुझे मेरे वार्ड के कुछ लोगों की तरफ से कॉल आई कि सुनील जी आप जल्दी आइए, चनानी हाइड्रो प्रोजेक्ट की कॉलोनी के जो एम्प्लॉयज़ के क्वार्टर हैं हमारे वार्ड के अंदर, वहां से मुझे कॉल आई। और मैं जैसे ही वहां पर पहुंचा मैंने देखा कि एक विभाग के लाइनमैन जिनका नाम रमेश कुमार सन्ना बेली राम और चनुंता के वो ट्रांसफार्मर के ऊपर लटके हुए हैं। तो मैंने फौरी तौर पर यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमारे कुलदीप जी हैं उन्हें कॉल की कि एक आदमी यहाँ को उसको फ्लैश हो गई है, करंट लग गया है। इन्होंने यहाँ पर तैयारी कर दी और जल्द से जल्द विभाग के भी जो कर्मचारी वहाँ पर पहुँच गए और हमने उसको रेस्क्यू करके यहाँ हॉस्पिटल में लाया। लेकिन कंडीशन जो उनकी थी रमेश कुमार जी की वो काफ़ी क्रिटिकल थी और यहाँ से जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने फर्स्ट एड उसको करके उसे जम्मू की तरफ उन्होंने जीएमसी को रेफ़र कर दिया। देखिए लापरवाही की बात तो यह है कि 11 KV लाइन है और लाइनमैन ऊपर चढ़ा है तो शटडाउन क्यों नहीं हुआ? अगर शटडाउन था तो फ्लैश कहाँ से आई? ये बात कहीं ना कहीं विभाग जो है वो भी सवालों के घेरे में है।